स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुलभ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान का शुभारंभ किया। 31 अगस्त तक आयोजित होने वाला ये अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान का शुभारंभ किया। 31 अगस्त तक आयोजित होने वाला यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एचआईवी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति विभिन्न सुविधाएं और गतिविधियों क्रियान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनता तक एचआईवी एड्स जांच सुविधा को पहुंचाने के लिए 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष में 10 नए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी एचआईवी जांच सुविधा प्रदान की जा रही है। एचआईवी एड्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ही नहीं अपितु सामाजिक समस्या के रूप में सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज यहां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन हो रहा है और यह दिवस सिर्फ दिवस मनाने तक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समय रहते हुए हम जनमत के द्वारा ही उजागर कर सकें। सरकारें कानून बनाती हैं परंतु कानून भी तभी सफल होते हैं जब जनता और जनमत उसके अनुरूप हो। स्वास्थ्य मंत्री ने एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में एचआईवी जांच अपंगता प्रमाण पत्र शिविर एचआईवी पर जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अतिरिक्त हृदय रोग स्त्री रोग आंख नाक गला हड्डी रोग चर्म रोग बाल रोग मेडिसिन मनोचिकित्सा व शल्य चिकित्सा संबंधी रोगों की चिकित्साओं द्वारा जांच की गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमें 60 लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इस पुनीत कार्य से हम उनके बहुमूल्य जिंदगियां बचा सकते हैं कि लोग विशेषकर युवा रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए। उन्होंने कहा कि शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंद लोगों की जीवन रक्षा के काम आएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में 650 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई तथा 30 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल के प्रांगण में आंवले का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री की धर्मपत्नी शर्मिला परमार जयसिंहपुर के विधायक रविंद्र दीवान बैजनाथ के विधायक मुल्क राज प्रेमी विधायक नगरोटा अरुण मेहरा भाजपा जिला अध्यक्ष विनय शर्मा प्रधानाचार्य राजकुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कई बार बड़ी दिखने लगती है परंतु शायद वहां पर क्या मजबूरियां हैं उन मजबूरियों की तलाश को जानने की कोशिश कभी नहीं होती परंतु उन मजबूरियों में भी स्वास्थ्य विभाग अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से काम कर रहा है तभी तो स्वास्थ्य मानकों में हम आगे बढ़ रहे हैं तभी तो हिमाचल प्रदेश में एचआईवी और एड्स के लिए अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है वो अछूत नहीं है बिल्कुल अछूत नहीं है वो जिंदगी में लंबी जिंदगी जी सकता है लंबी जिंदगी 60 साल 65 साल 70 साल हमारा विभाग उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई एचआईवी से ग्रसित हो गया डरने की जरूरत नहीं 40 स्थानों पर हमारे इस प्रकार के केंद्र हैं जहां पर उनके उपचार के लिए उनकी छानबीन के लिए कोशिशें हो रही है मुफ्त में दवाई का प्रबंधन हो रहा है। एचआईवी एड्स के साथ कोई शरीर में और बीमारी लग गई 20 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है 20 लाख रुपए और कोई ऐसा व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल शिमला जाना चाहता है तो उसके अटेंडेंट के लिए बस में मुफ्त व्यवस्था की गई है मुफ्त व्यवस्था की गई। हम समाज के हर दायरे के व्यक्ति के साथ मन से खड़ा होना चाहते हैं मन से खड़ा होना चाहते हैं और मन इस बात का सूचक है भाषण में नहीं कर्म के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कर्म क्या बोलता है कर्म बोलता है कि भाइयों
ये जयराम जी की सरकार आपकी है और आपने इस सरकार को बनाया, आपने ही तो बनाया श्री किशन कपूर जी को, आपने किशन कपूर जी के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना अपार समर्थन दे दिया। कार्यक्रम में एक बार फिर भक्त चलाए शौचालय का ही मिलते हैं एक के बाद।